दोस्तों, हरियाणा के रास्ते देहरादून तक बनने वाले इस हाईवे का निर्माण भारतमाला सड़क परियोजना के तहत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर 2021 को इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। यह रोड पूरी तरह आधुनिक और हाई स्पीड होगी, जिस पर सफर करने का अलग ही मजा होगा। इस परियोजना की खास बात यह है कि इस हाईवे पर 6 घंटे की दूरी महज 2.5 घंटे में पूरी की जा सकती है। यानी कि दिल्ली NCR और हरियाणा के लोग अब उत्तराखंड की सैर करने के लिए इस हाईवे पर आरामदायक और तेज स्पीड यात्रा कर सकेंगे। बता दें, इस परियोजना पर NGT ने कई शर्तें लगाई हैं और उसके लिए बाकायदा एक कमेटी गठित की गई है, जो कि इस पूरी परियोजना पर अपनी नजर रखेगी। दरअसल बता दें कि इस हाईवे के निर्माण के लिए काफी संख्या में पेड़ काटे जाने हैं, जो कि सीधे तौर पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना होगा। इसलिए NGT ने इस परियोजना पर रोक लगाई हुई थी, परंतु अब NGT ने अनेक शर्तों के साथ इस हाईवे के निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर नागिन दास की पीठ ने इस एक्सप्रेस वे को मंजूरी देने से पहले महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को वन मंजूरी देने के दौरान विवेक का इस्तेमाल नहीं किया होगा। NGT ने कहा कि एक बार प्रोजेक्ट की मंजूरी देने के बाद इसके परिणाम स्वरूप दूसरे चरण में पेड़ काटने की मंजूरी देनी होती है। हालांकि हम देखते हैं कि पारदर्शिता के लिए दूसरे चरण पेड़ काटने की मंजूरी पहले चरण के बाद ही दी जानी चाहिए और इसे तुरंत वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए। NGT ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की निगरानी का काम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI को सौंपा है। NGT ने प्राधिकरण से कहा है कि एक्सप्रेसवे का निर्माण पर्यावरण के अनुकूल हो, इससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। NHAI इसकी निगरानी के लिए NGT ने 12 सदस्य वाली एक्सपर्ट पैनल बनाया है। इसकी अध्यक्षता उत्तराखंड के मुख्य सचिव करेंगे। इसमें भारतीय वन जीवन संस्थान, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य को भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।